हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एडिल्यूमिनिसेंस पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। इसके पहले मैंने दो वीडियोस बनाए थे, जिसमें फर्स्ट में मैंने बात की थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, सेकंड में मैंने बात की थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। और अब उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसकी, स्पर्मेटोजेनेसिस की। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ओजेनेसिस की। तो चलिए शुरू कर रहे हैं हम आज का वीडियो, जो बेस्ड है स्पर्मेटोजेनेसिस पर। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर मैं इसको तोड़ कर आपको बताऊँ तो स्पर्मेटो मतलब क्या हुआ, स्पर्म सेल, है ना। स्पर्म सेल को क्या बोलेंगे हम, स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटोजोआ से आया स्पर्मेटो, जेनेसिस यानी टू प्रोड्यूस या किसी चीज़ का बनना, सिंथेसाइज होना। तो स्पर्म्स का बनना मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस। अब अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो क्या है, द प्रोसेस इन विच क्या हो रहा हो, स्पर्म्स बन रहे हो किससे, स्पर्मेटोगोनियम से। तो द प्रोसेस इन विच स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियम। अब ये स्पर्मेटोगोनियम क्या है, स्पर्मेटोगोनियम एक तरीके की स्टेम सेल है जो मेल बॉडी में पाई जाती है, और इसके मदद से बनते हैं बहुत सारे स्पर्म्स। और ये रहती कहाँ है, ये रहती है आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो हमने आगे लिखा है कि इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो अगर मैं पूछूं लोकेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस तो वो क्या होगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये कितने दिन में कंप्लीट होती है, ये जो पूरी प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस की, स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म बनने में कितना टाइम लगता है। तो ना आपको इसका आंसर कई जगह अलग अलग मिलेगा, तो आप कोशिश करें जो भी आप अगर एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो उसी से स्टक रहें। मैंने जहाँ से पढ़ा था उसमें एक रेंज दी हुई थी 65 to 75, तो मैं वो लिख रही हूँ। कई जगह आपको 74 लिखा मिलेगा, कई जगह 64, वेरी करता है। अब मैंने बोला लोकेशन क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो समझते हैं कैसे। ये टेस्टिस है, टेस्टिस में बनते हैं स्पर्म। जो टेस्टिस है उसमें होते हैं लोब्यूल्स, कुछ कंपार्टमेंट्स टाइप के होते हैं, सेगमेंट्स बने होते हैं, उन्हें हम बोल रहे हैं लोब्यूल्स। लोब्यूल्स जो है उनके बीच में इस तरीके से ये जो बहुत ही कॉइल्ड फाइन ट्यूब्यूल्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये आगे जाके रीट ऑफ टेस्टिस बनाती हैं, रीट ऑफ टेस्टिस आगे चल के एक बहुत कॉइल्ड ट्यूब्यूल बनाती है जिसको हम बोलते हैं एपिडिमिस, ठीक है। समझ लीजिए हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को कट करके देखा है तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये जो ग्रीन कलर की मार्जिन दिख रही हैं ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। उसके अंदर के ल्यूमेन है, और ये ल्यूमेन है, और ऊपर ये हल्का सा ऊपर का स्ट्रक्चर वॉल है, वॉल पर ही सारी कहानी होनी है। और बाहर जो एक्स्ट्रा जो आपको हिस्सा दिख रहा है वो इंटरस्टिशियल एरिया हो गया, ठीक। तो हम इसको और जूम करके देखेंगे, तो बाहर का जो एरिया है ये वाला, यहाँ पर ये सेल्स हो गई। ये कौन सी सेल है, ये है लेडिक सेल। लेडिक सेल क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करती है। अब नेक्स्ट क्या है, अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, वो क्या है, स्पर्मेटोगोनियम है। स्पर्मेटोगोनियम जिससे कि स्पर्म्स बनेंगे, और ये जो ऊपर दिख रहे हैं ब्लैक कलर से वो स्पर्म्स है जो पूरी तरह बन चुके हैं। और ये जो स्पर्मेटोगोनियम और स्पर्म्स जहाँ रखे हैं, जिस जिसके हेल्प से ये वहाँ पर हेड करे हुए हैं, वो जो सेल है उनको हम कहेंगे सर्टोली सेल्स। अब जानते हैं डिटेल में कि आखिर स्पर्मेटोजेनेसिस हो कैसे रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है उसमें चार स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट है स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन, सेकंड स्टेज ऑफ ग्रोथ, थर्ड है ग्रोथ और सॉरी स्टेज ऑफ मैच्योरेशन, और लास्ट है स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन, नाम से ही समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या होगा, प्रोलिफरेशन होगा। किसका प्रोलिफरेशन, स्पर्मेटोगोनियम का। स्पर्मेटोगोनियम एक तरीके का स्टेम सेल है जो 2n यानी कि डिप्लॉइड है। इसके अंदर 46 क्रोमोजोम्स हैं। ये क्या करेगी, इसमें से कुछ सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ही स्टक हो जाएगी ताकि वो आगे चल के रिजर्वायर का काम करे और सेल्स बनने के लिए। लेकिन कुछ सेल्स जो है वो क्या करेगी, डिफरेंशिएशन कर लेगी और अपने जैसी और लेकिन अच्छी कुछ ऐसी सेल्स बना लेगी जो कि आगे स्पर्म बनाने में काम आएगी। तो वो डिफरेंशिएशन जो है वो होगा यहाँ पर, और सेल्स 2n ही रहेगी, है ना।
नेक्स्ट स्टेप होती है स्टेज ऑफ ग्रोथ। इस स्टेज ऑफ ग्रोथ में क्या होगा, सिर्फ जो डिफरेंशिएट करके जो सेल बनी है वो खाली ग्रो करेगी और बनाएगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन चुकी है, अब है स्टेज ऑफ मैचुरेशन। स्टेज ऑफ मैचुरेशन जो है उसमें होगा मियोसिस। मियोसिस जो होगा क्या है, फर्स्ट में ऊपर तो माइटोसिस हुआ था, तो माइटोसिस में तो जो 2N यानी कि 46 क्रोमोसोम थे वो एज इट इज़ रहे 46, पर अब होगा मियोसिस, तो अब ये 46 क्रोमोसोम्स जो है 23-23 में डिवाइड हो जाएंगे। तो एक तरफ तो चले जाएंगे 22 जो ऑटोसोम होंगे और एक में जाएगा ए या तो एक्स और या तो वाई सेक्स क्रोमोसोम्स में, ठीक। तो मियोसिस वन की हम बात करते हैं, तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो करेगी मियोसिस वन, और मियोसिस वन करने के बाद क्या होगा, इसके जो क्रोमोसोम्स हैं 46 अब वो डिवाइड हो जाएंगे और एक तरफ 23 और दूसरी तरफ 23 चले जाएंगे। अब जो नई सेल्स हमारे पास बनकर आई है इन्हें कहा जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या कहेंगे इनको, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे मियोसिस टू की तरफ। मियोसिस टू में क्या होगा, अब क्या होगा, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो मियोसिस टू करेगी। मियोसिस टू में अब क्योंकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तो हैप्लॉइड थी यानी उनमें 23 क्रोमोसोम्स ही थे, पर ये 23 क्रोमोसोम क्या कंटेन करते हैं, दो दो क्रोमैटिड कंटेन करते हैं। अब ये क्रोमैटिड अलग अलग हो जाएंगे, क्रोमैटिड के अलग होने से क्या होगा, एक क्रोमैटिड अलग और दूसरा क्रोमैटिड अलग, तो इस तरीके से ये 23 भी डिवाइड हो जाएंगे दो और सेल्स में और बनाएंगे स्पर्मेटिड। तो इस तरीके से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी चार स्पर्मेटिड्स। पर यहाँ पर एक अच्छी चीज़ देखने को मिलती है, एक यूनिक चीज़ देखने को मिलती है, ये जो स्पर्मेटिड होते हैं ये पूरी तरह एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते, ये एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज जो है सिंक्रोनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स में यूज़ होता है, काम आता है, और इस तरीके से ये स्पर्मेटिड जो है वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं यानी कि स्पर्म्स बना लेते हैं, और ये स्पर्म्स भी हैं हैप्लॉइड रहते हैं। तो जो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो इसमें क्या होता है, एक राउंड गोल शेप का जो स्पर्मेटिड है वो अपना गोल स्ट्रक्चर खोकर क्या बना लेता है, एक पूरा टेल वाला स्पर्म बना लेता है, और ये जो स्पर्म है ये कहाँ पर धस जाते हैं, जाके सर्टोली सेल्स में, फिर जैसे ही एजेकुलेशन होता है तो सीमेन के साथ स्पर्मिएशन प्रोसेस की मदद से उसमें से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट है कहानी किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की। तो हर दिन 300 मिलियन स्पर्म्स जो है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, और इनकी जो लेंथ होती है वो 60 μm होती है एक मैच्योर्ड स्पर्म की। इसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, जिसमें कि पहला पार्ट होता है हेड। हेड जो है वो 3-5 μm लंबा होता है और 3 μm तक वाइड हो सकता है। इसका जो इंटीरियर पार्ट है, जो नुकीला पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला, इसको हम कहते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम जो है वो गॉल्जी अपैरेटस या गॉल्गी अपैरेटस जो आप बोलना चाहें, मैं इसको गॉल्जी कहती हूँ, अपैरेटस जो है उससे डिराइव होता है, और इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बना रहता है और एसिड फॉस्फेट से। इसके अलावा इसमें हाइलुरोनाइडेज और प्रोटीएज एंजाइम भी होते हैं। तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन में इसकी मदद करते हैं क्योंकि ओवम को इसको पेनिट्रेट करना होता है। नेक, नेक एक बहुत ही शॉर्ट सिलेंड्रिकल पार्ट है जो जो आपका हेड है उसके बिल्कुल नीचे रहता है। इसमें दो डिस्क होती है, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। एंटीरियर को कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और पोस्टीरियर को कहते हैं पोस्टीरियर एंड नॉब। फिर उसके नीचे का जो पार्ट होता है, जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, उसको कहते हैं बॉडी। जो बॉडी है वो 5-9 μm लंबी हो सकती है और 1 μm तक थिक रहती है। इसका जो सेंट्रल कोर है उसको एक्सियल फिलामेंट कहते हैं, और ये क्या कंटेन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया इन अ स्पायरल मैनर। एक स्पायरल मैनर में माइटोकॉन्ड्रिया इसमें अरेंज रहते हैं। लास्ट पोर्शन होता है टेल, जो कि ऐसा आपको दिख रहा है। टेल क्या करता है, इसकी स्विम करने में हेल्प करता है।
टेल के दो पोर्शंस होते हैं, एक चीफ प्रिंसिपल पीस होता है और एक होता है एंड पीस। तो इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर हुआ किसका, स्पर्म का। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी मेरी वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग मुझे फेसबुक पर तो फॉलो कर ही नहीं रहे हैं, तो मुझे फेसबुक और इसके साथ इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, अब हम इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हैं और मैं कोशिश करूँगी कि इंस्टाग्राम पर मैं कुछ और अच्छी अच्छी पढ़ाई रिलेटेड चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।